दोस्तों, वोल्केनो एक्सप्लोजन हमें देखने में जितना आकर्षक लगता है वो उतना ही खतरनाक भी प्रतीत होता है। हमने स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा, और इसके एक्सप्लोजन के पीछे क्या कारण है आइए जानते हैं। वोल्केनो में यूजुअली राख, गैसेस और गर्म मैग्मा होते हैं। अर्थ पे नियर टू 20 एक्सप्लोजन वोल्केनोस के हर दिन होते हैं। अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यह इसी वे में अरेंज भी होते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं, मिडिल सतह को मेंटल कहते हैं और अंदरूनी सतह को कोर कहते हैं। पृथ्वी के मिडिल लेयर में टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जहाँ टेम्परेचर तो अधिक होता ही है लेकिन दबाव काफ़ी कम होता है। इसी कारणवश वहाँ पे जितने भी मेटल्स होते हैं हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट होने लगते हैं। इसी मेल्टेड सब्सटेंस को मैग्मा कहते हैं। इसके ग्रेजुअली मेल्ट होने के कारण इसका विड्थ बढ़ने लगता है और यह मेल्टेड सब्सटेंस ऊपर की ओर पृथ्वी पर प्रेशर बनाने लगते हैं। इसी प्रेशर के कारण यह मैग्मा पृथ्वी की सतह तक पहुंचकर निकलने लगता है, और धीरे धीरे प्रेशर के बढ़ाव के कारण पृथ्वी की सतह पर एक एक्सप्लोजन होता है और यह सारा लावा काफ़ी मात्रा में मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है। यह मैग्मा कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहता है और काफ़ी गर्म होता है। ठंडा होने के बाद यह जम जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। मेनली वोल्केनोस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जिनके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। दूसरा, सुषुप्त ज्वालामुखी। यह हजारों सालों तक नहीं फटते हैं, लेकिन इनके फटने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। सन 1989 में विश्वीय विस्फोट इसी का एक उदाहरण है। तीसरा, मृत ज्वालामुखी। यह ऐसी ज्वालामुखी होती है जो कभी तो सक्रिय ज्वालामुखी रह चुके हैं, लेकिन अब इनके फटने के चांसेस ना के बराबर है। अफ्रीका के किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी का ही एक उदाहरण है। ये थे ज्वालामुखी से जुड़ी कुछ बातें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।